सलमान पर हो रही है करोड़ों की बरसात। रेस 3 के लिए लाइन में लगे हैं बॉलीवुड के बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं राधिका और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ रेस 3 से जुड़ी एक बड़ी खबर। सलमान खान की रेस 3 अभी रिलीज भी नहीं हुई है और इस फिल्म ने बड़े बड़े धमाके करना शुरू कर दिया है। रेस 3 इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। ऐसे में ये फिल्म काफ़ी डिमांड में है। खबरों की माने तो डिस्ट्रीब्यूटर्स पिछले काफ़ी महीने से ही इस फिल्म को खरीदने के लिए रमेश तौरानी के ऑफिस के बाहर लाइन में लगे हुए हैं। लेकिन इरोस इंटरनेशनल ने रमेश तौरानी और सलमान खान के सामने सबसे अच्छा ऑफर रखा है। इरोस ने रेस 3 के मेकर्स को 190 करोड़ रुपए का ऑफर दिया है, जिसे शायद ही कोई मना करे। बता दें कि सलमान की पिछले साल रिलीज हुई टाइगर जिंदा है ने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 339 करोड़ रुपए कमाए थे। ये बॉलीवुड की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। लगता है यही वजह है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स रेस 3 पर इतना बड़ा दाम लगा रहे हैं। वहीं खबरों की माने तो रेस 3 के सैटेलाइट राइट्स को भी 140 करोड़ तक बेचा जा सकता है। ऐसे में अगर देखा जाए तो फिल्म रिलीज से पहले ही 300 करोड़ कमा सकती है। वेल, अब देखने वाली बात तो ये होगी कि 15 जून को रिलीज़ हो रही सलमान की रेस 3 बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ों का बिजनेस करती है। वैसे आप रेस 3 के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा।